हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीट्यूड्स। मैं हूं प्रियम और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है जियो के बारे में। और हाल ही में ये न्यूज आ रही है कि जियो अब से अनलिमिटेड कॉल्स देना बंद कर देगा। हाँ दोस्तों, यही सच बात है। जियो ने उनके ट्वीट में भी लिखा था कि वो लोग ऐसा प्लान ला रहे हैं कि हर डे का लिमिट अब 300 मिनट्स कर दिया जाएगा, यानी कि FUP लिमिट जिसको कहा जाता है। तो अब से रिलायंस जियो FUP लिमिट 300 मिनट्स पर डे पे सेट करने वाला है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इसका प्रेस रिलीज में कुछ खुलासा नहीं हुआ है, पर ऐसा प्लान ऑलरेडी चालू हो चुका है, क्योंकि कुछ कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेन भी किया है कि जब भी 300 मिनट्स ओवर हो जा रहे हैं तो उनका कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था जब तक ना वो डे ओवर हो। तो उसके बाद ही रिलायंस जियो ने ट्वीट किया था कि वो लोग ऐसा 300 मिनट पर डे का प्लान ला रहे हैं जल्दी। पर यही बात नहीं, एक बात और भी अच्छी है कि 300 मिनट्स पर डे का जो लिमिट है वो सिर्फ कुछ ही यूजर्स के लिए किया जाएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि जियो ने ऐसा अपने सर्वे में देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जियो फोन्स को टेली मार्केटिंग की तरह यूज कर रहे थे अपने STD PCO जैसे टाइप। तो अब से जियो सर्वे करेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि किस यूजर्स को 300 मिनट्स पर डे का लिमिट दिया जाएगा और किस किस को नहीं। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, रिलायंस जियो जब से शुरू हुआ है तभी से ये लोग कुछ ना कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा है, वैसे तो जियो आके हमारे डिजिटल इंडिया में काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इतना कम दाम में इतना सारा डेटा, उसके साथ कॉल्स भी मिलते हैं हमको फ्री में। तो ये अगर जियो ना आता तो शायद और भी जैसे मेजर ऑपरेटर्स है जैसे एयरटेल, आइडिया, शायद वो भी अपने टैरिफ्स नहीं रिड्यूस करते। पर जियो का एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब दोस्तों मैंने वो जियो फोन का वीडियो किया था, जियो फोन जब ऑर्डर प्लेस होने वाला था तब उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताए थे। पर जब लोगों को जियो फोन मिलना शुरू हुआ उसके बाद उन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस दिए, उसमें ऐसा वैसा कुछ था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी सर्विसेज या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो जियो लेकर आता है उसका टर्म्स एंड कंडीशंस हमको पहले बता देना चाहिए, ताकि लोग उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट या सर्विस ले पाए। ये नहीं हो कि मैंने भाई सर्विस ले लिया पर ये तो मेरे काम का ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस केस में भी वही हो रहा है कि देखिए 399 वाला जो जियो धन धनाधन प्लान है, या फिर जो भी आप ले 309 रुपीज, 349, 149 जो भी हो, इसमें साफ लिखा हुआ था कि जैसे कि 399 में 1 GB डेटा पर डे देता है, साथ ही साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग 84 डेज के लिए। तो उसमें लिखा ही हुआ था कि अनलिमिटेड कॉल्स दिए जाएंगे, और मैंने पूरा साइट भी छान मारा, कहीं पे भी FUP का लिमिट नहीं लिखा हुआ था। पर हाल ही में सुनने में आ रहा है कि ये लॉन्च करेंगे, तो अब चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है। और जियो के प्लान्स के बारे में मैं और भी आपको एक अपडेट देने वाला हूँ, वो है जियो का जो 149 धन धनाधन ऑफर था उसमें पहले आपको 2 GB हाई स्पीड डेटा मिलता था और उसके बाद आपको डेटा यूसेज करने का मौका नहीं मिलता था। पर इस बार उन्होंने ये टैरिफ रिवाइज किया है, 2 GB डेटा आपको हाई स्पीड में तो मिलेगा ही, उसके बाद अनलिमिटेड डेटा भी आपको मिलेगा 64 KBPS स्पीड में। और यहाँ पे भी अनलिमिटेड कॉल्स था, हालांकि अभी मैं कह नहीं सकता, 300 मिनट्स पर डे अगर लगा दे हर किसी को तो शायद दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी सजेशंस हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। नमस्ते।